मथुरा बार एसोसिएशन का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव 7 अक्टूबर को होगा। नामांकन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होगी। 29 सितंबर को नाम वापस लिए जाएंगे। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर सहित 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव पर बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन इस बीच अभी मतदाताओं की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार है। बार एसोसिएशन के चुनाव में कौन मतदाता होंगे, इस बात को लेकर के अभी उत्सुकता बनी हुई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और एल्डर कमेटी के द्वारा अभी लिस्ट जारी नहीं हुई। लेकिन न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और निर्वाचन अधिकारी के रूप में अजीत तेरिया ने कहा है कि संभवतः आज शाम को लिस्ट जारी हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने चुनाव संबंधी प्रक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि जो लोग उनके द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिट का विरोध कर रहे हैं वे अनावश्यक हैं। चुनाव स्टे कराने से उस रिट का कोई लेना देना नहीं है। मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव काफी रोचक बनता जा रहा है, क्योंकि मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव वार्षिक होता है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव, ऑडिटर सहित कई पदों के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच चुनाव का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को लेके सस्पेंस कायम है। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत तेरिया साहब। चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन अभी भी कुछ सस्पेंस बरकरार है, क्या है अभी तक की प्रक्रिया और अपडेट आपके पास चुनाव को लेकर? मथुरा के इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से इस संशय को दूर करते हुए मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। बहैसियत निर्वाचन अधिकारी जो मेरे द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है वो चुनाव कार्यक्रम यथावत रहेगा और उसी से 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को चुनाव होगा। कब से प्रक्रिया शुरू हो रही है नॉमिनेशन की आपकी? 26, 27 और 28 सितंबर में हमारे यहाँ नॉमिनेशन है। 29 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 बजे से 5 बजे तक नामांकन वापसी का समय रहेगा। 6 अक्टूबर को हमारा AGM होगा, वार्षिक साधारण सभा, और 7 अक्टूबर को हमारा मतदान होगा शाम को 5 बजे तक, और उसके बाद 6 बजे से मतगणना जो होगी निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक रहेगी। चुनाव का ऐलान हो गया, कैंडिडेट भी खड़े हो गए, लेकिन अभी भी इस बीच कुछ संशय बरकरार है। इसमें ये भी कुछ अधिवक्ताओं ने कहा है और आपका विरोध भी किया है उनके द्वारा कि आपके द्वारा हाईकोर्ट में कोई चुनाव को लेकर कोई याचिका दाखिल की है। देखिए, अधिवक्ता पढ़ा लिखा वर्ग है, कानून का ज्ञाता और कानून का सलाहकार है। अधिवक्ताओं के विषय में ये अवधारणा नहीं की जा सकती है कि वो जो बोल रहे हैं वो बिना जानकारी के बोलेंगे। लेकिन मथुरा बार पूरी तरह से राजनीतिक परिवेश में प्रवेश कर चुकी है, राजनीति के हथकंडों से ग्रसित हो चुकी है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो रिट फाइल की गई वो न मथुरा बार एसोसिएशन के खिलाफ की गई और न बार मथुरा बार एसोसिएशन की तरफ से की। सवाल ये है कि उस जो रिट दाखिल की है उसको लेकर तो आपका लोगों ने यहाँ पुतला भी फूका। मैं पहले आपको रिट पे बता दूँ, जो आपका महत्वपूर्ण और मैसेजिंग प्रश्न है उसका उत्तर आवश्यक है। रिट हमने उस दशा में दाखिल की जब मतदाताओं की वैधता निर्धारण करने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से निरंतर पत्र आने लगे। सबसे पहले शुरू हुआ कि प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को कैरेक्टराइज करते हुए लिस्ट हो। उसके बाद उनका आया कि जिन अधिवक्ताओं के पास COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है उन अधिवक्ताओं को सदस्यता और मतदाता में न रखा जाए। उसके बाद एक अचानक उनका तीसरा पत्र आता है कि जो मतदान है या सदस्यता है उसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों के अलावा ऐसे अधिवक्ता जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसी अन्य बार काउंसिल से पंजीकृत हैं उनको सदस्य न रखा जाए जब तक वो अपना पंजीकरण स्थानांतरित न करा लें। और उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर आप स्कोर आउट करके इसकी सूची जारी करें। एक उनका आया कि जो निर्वाचन होगा वो मॉडल बायलॉ के तहत होगा। देखिए, मथुरा
बार एसोसिएशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसका अपना संविधान है और यह संविधान के अनुसार अपने सदस्यों की संख्या या अधिकार निर्धारित करती है। सवाल यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो ये है कि आखिर वोटर बार एसोसिएशन का कौन होगा, यानी कौन से अधिवक्ता होंगे जो अपना वोट डाल पाएंगे आपके, और इस कब तक लिस्ट जारी होगी? आपके इस प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न में ही था, मैं उसी पूर्ण किए देता हूँ। तो चूंकि बार काउंसिल का जो प्रस्ताव आया, हमने उसमें साधारण सभा करके उसकी घोषणा की। हमारी जो संवैधानिक एल्डर कमेटी है, उसके बाद उन्होंने एक साधारण सभा की जो कि निर्वाचन की एक सहयोगी समिति है हमारे बार एसोसिएशन के संविधान में, और उन्होंने ये निर्णय दिया कि जिनके पास COP नहीं है, श्री महेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में वो निर्णय हुआ कि जिन अधिवक्ताओं के पास आज की तारीख में COP नहीं है और जो अन्य बार काउंसिल से पंजीकृत हैं, उनको 31 दिसंबर 2022 तक का समय देते हुए इस मतदान प्रक्रिया में उनका वैकल्पिक या अस्थाई अधिकार सुरक्षित कर लिया जाए। ये मैं समझ गया, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा समय नॉमिनेशन में नहीं है, तो वो लिस्ट कब तक आपकी जारी हो रही है? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, हमारी और एल्डर कमेटी की मीटिंग निरंतर इस बिंदु पर चल रही है। चूँकि वो निर्णय एल्डर कमेटी के द्वारा घोषित है, लिहाजा जो COP होल्डर रेगुलर प्रैक्टिशनर है मथुरा के, उनके साथ यदि उन मतदाताओं को जोड़ा जाता है जिनके विषय में एल्डर कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है, और उस निर्णय का सम्मान करते हुए निर्वाचित कार्यकारिणी उनको शामिल कर रही है, तब उस वोटर लिस्ट पर उस एल्डर कमेटी के चेयरमैन और सदस्यगण के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, जिसके लिए उन्होंने मुझे सहमति दी हुई है, और संभवतः आज वोटर लिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हम भी चिंतित हैं कि मतदान में प्रक्रिया, मतदान कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है सोमवार से, तो हम निश्चित रूप से उसको संभवतः आज ही पूर्ण करके देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब इस वोटर लिस्ट में निर्वाचित कार्यकारिणी के साथ साथ जो उनका निर्णय था, एक निर्णय एल्डर कमेटी का जुड़ चुका है, वो हमारे सीनियर्स हैं, हमारी एल्डर समिति है, उस निर्णय का भी हम सम्मान करते हुए, क्योंकि वो उन्होंने अपने दायित्व पे दिया है। कुमला, माना जाए कि आज लिस्ट जारी हो सकती है और चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे? निश्चित रूप से लिस्ट भी जारी होगी और चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, ये आपके विश्वसनीय चैनल के माध्यम से मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ। अगर लिस्ट में अगर जो लोग असंतोष जाहिर करेंगे, अगर उनके द्वारा कोई आपत्ति जाहिर की, तो उस स्थिति में क्या है? देखिए, असंतोष तो संतोष के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, जहाँ संतुष्ट वर्ग होगा वहाँ कहीं ना कहीं उस संतुष्ट वर्ग से एक असंतुष्ट वर्ग भी होगा, और ये इस वर्ष नहीं है, ये तो वर्षों से चला आ रहा है। राजनीति में विरोध एक मजबूत स्तंभ होता है, उसके लिए कारण भी लोग उत्पन्न करते रहते हैं और वो विरोध जन्म भी लेता है और फिर समाप्त भी होता है। हमारे और एल्डर कमेटी के बीच में किसी बिंदु पर कोई विरोध नहीं है। धन्यवाद, आपने देखा किस तरीके से हमारे साथ रहे मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, और इस वक्त वो चुनाव निर्वाचन अधिकारी भी हैं बार एसोसिएशन के। सस्पेंस अभी लिस्ट पर कायम है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि आज लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि लिस्ट को लेकर अधिवक्ताओं में भी एक बहुत बड़ी उत्सुकता है कि आखिर इस लिस्ट में कितने अधिवक्ता शामिल होंगे जो कि इस बार मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव में अपना वोट डाल पाएंगे। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ये भी कहा है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव 7 अक्टूबर को ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन इस बीच अभी कुछ दिनों पूर्व अध्यक्ष का पुतला कुछ अधिवक्ताओं ने दहन इस बात को लेकर किया था कि वो चुनाव को स्टे करने के लिए कोई रिट उनके द्वारा दाखिल किए, तो उन्होंने भी क्लैरिफाई किया है कि चुनाव स्टे के लिए उनके द्वारा कोई रिट फाइल नहीं की है।
न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल गुर्दे एवं पित्त की थैली की सभी पथरियों का दूरबीन एवं लेजर द्वारा ऑपरेशन। पेशाब की थैली की पथरी का ऑपरेशन दूरबीन एवं सामान्य विधि से बिना चीरे के प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन। गुर्दे मूत्राशय प्रोस्टेट एवं लिंग के कैंसर का ऑपरेशन एवं संपूर्ण निदान। गुर्दे व लिंग की बंद नली का प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन। मथुरा शहर में पहली बार होल्मियम लेजर द्वारा पथरी का उपचार। सेक्स व गुप्त रोग का उपचार। एक्सरे व सभी प्रकार के कॉटेज की सुविधाएं। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, मेडिकल स्टोर व अन्य सुविधा उपलब्ध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रोहित सिंगल द्वारा अब तक की सबसे बड़ी पेशाब की थैली की पथरी निकालने का श्रेय। वरिष्ठ यूरो सर्जन, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन व एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंगल। स्टार हेल्थ, ICICI, लूम वार्ड, मैक्स बूपा, आयुष्मान भारत सहित अन्य कंपनियों की सभी कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध। संपर्क करें नियर गोवर्धन चौराहा, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।